हाय गाइस, मैं आदित्य लाने आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉल इन और ब्लॉगर पे। आज तो मैं आपको आज दिखाने आज जा रहा हूँ मेरा जो कुल देवत है मुर्रा देवी जगदम्बा माता, उनके दर्शन करवाने जा रहा हूँ। तो बने रहे वीडियो पे। दोस्तों, आज का दशहरा है तो भीड़ बहुत कम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैं तो शुरुआत में बहुत भीड़ रहती है। प्रसाद के दुकान है इधर, सब इधर प्रसाद के दुकान है। माता के लिए साड़ी वाड़ी सब इधर मिलती है। बने रहे वीडियो में, दिखाता हूँ माता जी को। भीड़ ज्यादा नहीं है, कम भीड़ है, दिखाता हूँ आपको। बाहर से दिखा रहा हूँ मंदिर आपको, एकदम बहुत अच्छी तरीके से सजावट की है इसकी। दोस्तों, देख सकते हैं मुर्रा देवी। जो मुर्रा देवी का मंदिर है, ये जो संस्थान है, इसको इधर गांधी जी का भी खत आया था, लेटर पत्र, तो पत्र भी गांधी जी ने लिखा हुआ है, वो लेटर भी दिखा रहा हूँ आपको। ये गांधी जी का अक्षर है, गांधी जी ने ऐसा पत्र लिखा है, 1933 को लिखा था एक पत्र। पुरातत्व विभाग के कहने के अनुसार दोस्तों, मुर्रा देवी की मूर्ति करीब करीब 800 वर्ष पुरानी है, जो उन्होंने कहा है। आपको इससे भी और अधिक जानकारी चाहिए होगी तो मैं फ़ोटो खींच के डाल रहा हूँ, तो फोटो को पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा है मुर्रा देवी की आँख के क्या क्या बारे में, तो देखते रहें। दोस्तों, मुर्रा देवी के परिसर में ही इधर झिंगराजी श्री संत झिंगराजी महाराज की समाधि भी है, तो आपको समाधि भी दिखाता हूँ। दोस्तों, ये नीचे है जमीन के अंदर, ऐसे नीचे घुसना पड़ता है अंदर।
जय झिंगरा जी महाराज जी। ये झिंगरा जी महाराज की कुछ तस्वीरें हैं पुरानी वाली। दोस्तों ये हो में जो पूजा हुई थी उसका हो में दोस्तों है। दोस्तों मंदिर परिसर में ही भगवान शिव जी का मंदिर भी है। दोस्तों देखिए कैसे एकदम भजन हो रहा है देवी का। बच्चे भी है दोस्तों इसमें ताड़ बजा रहे हो। गाइस भीड़ नहीं होने के कारण दर्शन 10 मिनट में ही हो गए हैं, तो अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में।